So in today's class, we will discuss about the relationship between half life and mean life or average life. तमने the relation between half life and mean or average. प्रीवियस क्लास रे आम हाफ लाइफ रो डेफिनेशन आ तर मैथमेटिकल बाहर करथले एवरेज लाइफ रो भी बाहर करथले सेथरो आम जो बाहर करथले आम बाहर करथले कोन आम बाहर करथले कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लामडा एटा हला हाफ लाइफ एवरेज लाइफ केमिति बाहर करथले tau is equal to 1 by lambda t half hela half life tau hela average life or mean life to ebe ame dekhiba t half au tau ro relation kon ba half life au mean life ba average life bis bitare relation kon achi to ethre jodi ame lekhiba tahale t half is equal to ame kete janchi 0.693 divided by lambda टाओ केते आमे जानी छे टाओ इज इक्वल टू 1 बाय लामडा तो लामडा केते हि जीवो लामडा हि जीवो 1 बाय टाओ तो ए जो लामडा रो एक्सप्रेशन टा लेट इट बी इक्वेशन 3 आमे इक्वेशन एटा को धरनियो ए ए रे पुट करि परबा लामडा रो वैल्यू सॉरी लामडा हला टाओ टाओ इज इक्वल टू 1 बाय लामडा तो लामडा इज इक्वल टू 1 बाय टाओ तो लामडा रो वैल्यू टा एठी लामडा अछि पुट कर दबा तो t half is equal to 0.693 divided by 1 by tau बस लामडा जगह रे हम खाली 1 by tau पुट करले तो एबे केते हि जबो t half is equal to 1 by tau tau ऊपर को पळेबो तो 0.693 tau where tau हेला कोन एवरेज लाइफ आउ टी हाफ है हाफ लाइफ तो हाफ लाइफ आउ एवरेज लाइफ विषय भितर डिफरेन्स कौन कि टी हाफ सॉरी रिलेशन कौन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 टाओ अच्छा जदि आम टाओ केस लिखा तो एमती भी लिखि पार्बा जदि 0.693 टाओ इज इक्वल टू टी हाफ ताल टाओ के हम टाओ हम टी हाफ डिवाइडेड बाय 0.693 बा आम आपको एमती लिखिपर टाओ इज इक्वल टू टी हाफ इंटू 1 बाय 0.693 तो टाओ इज इक्वल टू टी हाफ 1 बाय 693 रो वैल्यू आसीबो नॉर्मली केते 1.44 तो टाओ इज इक्वल टू 1.44 टी हाफ ये हैला एवरेज लाइफ आउ हाफ लाइफ भितर रो डिफरेंस आउ ये हैला हाफ लाइफ आउ एवरेज लाइफ भितर रो डिफरेंस तो जो कोनो से गोटे हे गले आउ टे हमरा आराम से बाहर जको एबे हमें देखिबा रेडियो एक्टिविटी डिके लॉ बा डिसइंटीग्रेशन लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी रो गोटे मैथमेटिकल फॉर्मूला अछि जोटा कि हमरा नॉर्मली जतबे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करू सेतबे हमकु बहुत एबे हमें देखिबा रेडियो एक्टिव डीके लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी जो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस चलती तार ता सहित रेडियो एक्टिव डीके रो रिलेशन कौन कौ भाया भाव से डिसइंटीग्रेट करोचे पार्टिकल से जिनटा कौन करा स्टडी करवा जहाँ गोटे छोटिया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टे बहुत इजी बाहर ताको आम यूज करके बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रोब्लेम आम कौन कर सल्व कर तो नर्माली रेडियो एक्टिविटी हुए कौन ना गोटे रेडियो एक्टिव एलिमेंट बा गोटे रेडियो एक्टिव कौन एटम से कौन करना डिसइंटीग्रेट हुए अनस्टेबल थाए तो से स्टेबल हाँपी कौन करना डिसइंटीग्रेट कै डिसइंटीग्रेट इन द सेन्स से किसी पार्टिकल एमिट कै इन द फॉर्म ऑफ आइदर अल्फा और बीटा और गामा तो अल्फा बीटा गामा से इमिट कर स्टेबल होगा ट्राए करे तो जो अल्फा बीटा गामा से रेडिएट कर इमिट करते जिनसा आम जाने ता मन जिते बे
स्टेबल हवा पाई बा डिसइंटीग्रेट करि परबो अल्फा बीटा गामा जे कोनसी भी पार्टिकल एमिट करिके तो एटा को हमें कोन कोना गोटे स्पोंटेनियस प्रोसेस को तो ए जो प्रोसेस टा जे तुम्हें कैलकुलेट करि परबानी कि नेक्स्ट केते बेले से एमिट करबो बा डिसइंटीग्रेट करबो मात्र हमें गोटे एस्टिमेशन लगे परबा कि जदि बहुत सारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट अछंती बा बहुत सारा सैंपल अछंती ताहाले जो रेडियो एक्टिव हम जो डिसइंटीग्रेट से कर तार रेटा भी कौन हम ना बहुत अधिक हम जदि कम अच्छा से बहुत केते बेले कर जानी तार रेटा कौन हम कम हम जदि बहुत पार्टिकल अच्छा तार रेटा कौन हम अधिक हम नॉर्मल जिनस तो ये आम गोटे एस्टिमेशन आम कौन करें बाहर करें कम बाहर करें आम कि माइनस डी एन बाय डी टी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन कि जदि एन अधिक थी रेटा भी कौन हम अधिक हम तो आम माइनस टी एन बाई डी टी को प्रोपोर्शनालिटी चिन्ह जदि हटोजे आम लिखुले लामडा एन ए जो डिसइंटीग्रेशन रेटा को डिसइंटीग्रेट रेटा को आम कौन कहूना गोटे ना देदे फर सिंप्लीफिकेसन ताकूरी डिनोट करवा कौरे ना आर कौरे करवा आर आर इज इक्वाल टू लेट इट बी माइनस टी एन बै डी टी तो माइनस टी एन बै डी टी जगह आम कौन लिखि पार मानने रेट अफ डिसइंटीग्रेशन को आम लिखीदे आर आर मान है कौन आर मान है रेट अफ डिसइंटीग्रेशन तो मैंने आर इज इक्वाल टू माइनस टी एन बै डी टी तो आ जगह आम कौन कले लिखीदे आर आर इज इक्वाल टू लामडा एन एन एक्सप्रेसन प्रिवियस क्लास जाचे एन इज इक्वाल टू एन जीरो ए टू दि पावर माइनस लामडा टी जेकोसी समय रे डिसइंटीग्रेशन जो रेट आम जो कैलकुलेट करुचे डिसइंटीग्रेशन के जो कैलकुलेट करुचे आट एनी टाइम टी से एन एन जीरो इनिशियल नंबर अफ सैंपल टाइम इज इक्वल टू जीरो जितकी नंबर अफ सैंपल कौन थे ना प्रेजेंट थे आम कौन कहे एन जीरो ये बाहर कर सारे रेडियो एक्टिव डिकेलर तो एन वैल्यू जब आम पाखे अच्छी आम कौन करना ये जस्ट खाली पुट करदे तो ये आम लिखिपर आर इज इक्वाल टू लामडा एन जगह लिखा एन जीरो ई टू दि पावर माइनस लामडा टी जेहेतु एन जीरो मान है कौन ना एन जीरो मान है कि टी इज इक्वल टू जीरो जो डिसइंटीग्रेशन है टाइम इज इक्वल टू जीरो जितकी नंबर अफ सैंपल प्रेजेंट अच्छा लामडा है कौन डिसइंटीग्रेशन कन्स्टांट है दिटा भैल्यू जीत भैरी करूनी कहीं इनिशियल जितकी प्रेजेंट थी पर सीना डिसइंटीग्रेशन है एन रैल्यूटा भैरी करते हूँ जो फास्ट अच्छा जो स्टार्ट होनी डिसइंटीग्रेशन इनिशियल के आम कैलकुलेट कर लामडा भी गोटे कन्स्टेंट तार भैल्यू भी कौन कर कैलकुलेट कर तो ये दिटा को आम कौन कर जेहेतु तार भैल्यू भैरी करूनी आगे कौन करना आम गोटे कन्स्टेंट रूप से नहीं पारा से कन्स्टेंटा को लेटेट भी आम नहीं जावा आर जीरो आर जीरो मान है कौन कौच एन जीरो आर जीरो लामडा एन जीरो जगह आर जीरो लिखिले रहा ए टू दि पावर माइनस लामडा टी तो आर जीरो मान है कौन आर जीरो मान है एक्टिविटी एक्टिविटी आट टी इज इक्वल टू जीरो एन जीरो एक्टिविटी आर है एक्टिविटी एन जीरो मान कौन इनिशियल जितकी नंबर ऑफ प्रेजेंट अच्छा तो आर जीरो कौन हम एक्टिविटी आट इज इक्वल टू जीरो कहीं तार भैल्यूटा आम कौन करे जाचे तो जिते बड़े डिसइंटीग्रेशन है एक्टिविटी है टाइम इज इक्वल टू जीरो अच्छी से जो भैल्यूटा थी आम कौन कह आर जीरो कह आर को कौन कह आर है एक्टिविटी आट एनी टाइम जेकोसी टाइम के एक्टिविटी होती तो यहाँ गोटे सिंपल रिलेशन कहा कहा भितर रिलेशन एक्टिविटी आट एनी टाइम जिते बेले भी डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस चालू होची विथ रेस्पेक्ट टू एक्टिविटी जिते बेले किछि न होईची एक्टिविटी जिते बेले टाइम केते अछि जीरो अछि तो एटा हला गोटे हमर रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्टिविटी आर इज इक्वल टू आर जीरो ई टू द पावर माइनस लामडा टी आर यूनिट भी अछि छुआ माने आर गोटे फास्ट यूनिट हला आको कहंति बेक्वेरेल वन बी सी क्यू यू आर इल वन बेक्वेरेल है जो एक्टिविटी गोटे एसआई यूनिट को आम कौन कह बेक्वेरेल कहती बेक्वेरेल मान है वन डीके बा वन डिसइंटीग्रेशन हम पर सेकेंड रे गोटे सेकेंड रे जदि गोटे डीके होची ताको आम कहबा वन बेक्वेरेल
आउ गोटे कौन वन रदरफोर्ड वदरफोर्ड मान जदि मान या भी कह पार 10^6 बीक्यू बेक्वेरियल सिंबल है 10^6 बेक्वेरियल को कौन कहो ना आम वन रदरफोर्ड कहो जमी तुम 100 सेंटीमीटर को तुम कहो ना कि 1 मीटर बोली सेमती 10^6 बेक्वेरियल को आम कौन कहो ना वन रदरफोर्ड कहो आउ गोटे यूनिट है क्यूरी वन क्यूरी सीआई यहाँ है 3.7 × 10^10 डीके पर सेकेंड जदि गोटे सेकेंड रे 3.7 × 10^10 डिसइंटीग्रेट करुछि एलिमेंट ताहले आम तो कौन कहवा ना वन क्यूरी कहवा तो ये जो डिसइंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन जो हूँ आमर बैक्टिविटर तीन टाइम कौन अच्छी यूनिट अच्छी एसआई यूनिट गोटे वन बेक्वेरल बीक्यू सिंबल है बीक्यू जहाँ वन डीके पर सेकेंड जदि पर सेकेंड रे गोटे डीके होची वन डिसइंटीग्रेट करुची ताहले हमें तो कह वन बेक्वेरल 10^6 बेक्वेरल को हमें कौन कहू वन रदरफोर्ड कहू वन मार्क क्वेश्चन आसे वन क्यूरी वैल्यू है जदि पर सेकेंड रे 3.7 × 10^10 डिसइंटीग्रेट करुची से ताहले हमें कौन कहवा ना वन क्यूरी कहवा।